नमस्कार, मैं हूं राजेश तनवर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। जहां एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बात करें देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली में 5 जून तक कोरोना पॉजिटिव केस के आंकड़े 26,334 तक हो गए हैं, जिसमें एक ही दिन में 1,330 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बात करें कोरोना महामारी से ठीक होने वाले मरीजों की, तो 10,315 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं, जिसमें कल ही के दिन 417 लोग ठीक होकर अपने घर भी चले गए हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या दिल्ली में 708 तक पहुंच गई है और कल ही के दिन 25 लोगों ने इस महामारी के चलते अपनी जान भी गंवा दी है। दिल्ली में 5 जून तक टोटल केस 15,311 हो चुके हैं। दिल्ली में इस तरह से कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने दिल्ली सरकार के सामने चुनौती पैदा कर दी है और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण दिल्ली सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी आ चुकी है। और वहीं दिल्ली के लोकनायक अस्पताल से रिपोर्ट आई है कि वहां का शवगृह इस हद तक भर गया कि शवों को जमीन पर और एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ रहा है। पता चला है कि अस्पताल की क्षमता सिर्फ 25 शवों को रखने की है और वहाँ शव की संख्या 108 तक पहुँच गई है। खबरें तो ये भी आई है कि कोविड-19 से होने वाली मौतों के 5 दिन बाद तक इनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। तो ये था आज का दिल्ली का हेल्थ बुलेटिन। लेकिन हमारा आपसे सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार कोरोना महामारी से बचाव को लेकर फेल हो चुकी है? क्या दिल्ली सरकार के किए गए सारे वादे खोखले होते जा रहे हैं? अपने सुझाव और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल और वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।